हाय एवरीवन, बहुत बार हम नोटिस करते कि हमारी रिस्ट और कलाई और फिंगर्स में हमारे को सुन्न पड़ जाता है, नम रहते हैं, टिंगलिंग सेंसेशंस आती है। ये हमारे नस दबने की वजह से होता है, जो कॉमनली हम उसको कार्पल टनल सिंड्रोम्स बोलते हैं, जैसे CTS। ये कंडीशन हमारे कलाई में जो रिस्ट में नर्व रहती है वो इम्पिंच होने की वजह से होती है। याद रखिए, मैं आपको बता रही हूँ कलाई से और फिंगर्स की नमनेस के बारे में, ना कि आपके नस कर जो गर्दन से दबती है उसके बारे में। जहाँ हमारे सिम्टम्स हमारे पूरे हाथ में रहता है अलॉन्ग विथ योर हैंड एंड फिंगर्स, बट कार्पल टनल सिंड्रोम इज अ प्रॉब्लम विच ओनली अकर्स इन योर रिस्ट जॉइंट, दैट इज विथ योर फिंगर्स एंड योर रिस्ट प्रॉब्लम। फाइव कॉमन सिम्टम्स जो कार्पल टनल सिंड्रोम्स में हम एक्सपीरियंस करते हैं, नंबर वन पेन, सेकेंड इज नमनेस एंड टिंगलिंग सेंसेशन, थर्ड इज बर्निंग सेंसेशन, स्वेलन हैंड्स एंड स्वेलन फिंगर्स ऑल्सो एक्सपीरियंस, एंड ऑल्सो द वीकनेस इन द फिंगर्स आर एक्सपीरियंस, स्पेशली वाइल ग्रिपिंग द ऑब्जेक्ट्स। CTS जो कंडीशन रहती है वो जनरली हमारे दोनों हाथ में एक्सपीरियंस होता है आफ्टर प्रेगनेंसी ऑल्सो, दिस इज वेरी कॉमन, कभी कभी एक हाथ में भी एक्सपीरियंस किया जाता है। और इस कंडीशन में 50% जो लोग रहते हैं फर्स्ट स्टेज वन और स्टेज टू में रिकवरी इज वेरी गुड इन फिजियोथेरेपी, स्प्लिंट देते हैं, एक्सरसाइजेस है, सम मोडालिटीज ऑल्सो गिवन टू रिड्यूस द पेन एंड स्वेलिंग एज वेल। हाफ ऑफ द केसेस आर सच केस विच बिकम वेरी क्रॉनिक एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट बाय फिजियोथेरेपी, वो केसेस को हम सर्जरी के लिए रेफर करते हैं या सर्जरी में जो केसेस रहते हैं वो जाते हैं। रिकवरी ऑफ CTS आफ्टर द सर्जरी इज ऑल्सो वेरी गुड, फिजियोथेरेपी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिहेबिलिटेशन ऑफ द ग्रिप, स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइजेस, रिमूवल ऑफ स्कार एंड एडिशंस। अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी करोगे एटलीस्ट फॉर 2 to 3 months, यू कैन सी द कंप्लीट रिकवरी इज देयर। Regarding any queries related to carpal tunnel syndrome, you can question and ask me whatever queries you have. I am there to answer you. You can walk into my clinic for your problems. Thank you so much for watching my video.